पर्पल न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और नए वीडियो अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। ये तस्वीरें कोई नहीं भूल सकता। ये तस्वीरें हैं बीते शुक्रवार को क्राइस्टचर्च में दो मस्जिदों में बड़े पैमाने पर आतंकी हमले के बाद। जहां पूरी दुनिया हैरान है, वहीं मदद के लिए कई हाथ आगे भी आए हैं। न्यूजीलैंड में सिख समुदाय ने आतंकी हमले में मारे गए लोगों के अंतिम संस्कार की देखरेख के लिए अपनी सेवाएं देने की बात कही है। पंजाब केसरी में छपी खबर के अनुसार फेसबुक पर पोस्ट जारी करते हुए ऑकलैंड स्थित एनजीओ गुरु नानक कम्युनिटी किचन ने कहा है कि ऑकलैंड में एक मुस्लिम भाई द्वारा हमें ये जानकारी मिली है कि क्राइस्टचर्च के दर्दनाक हमले में मारे गए मुस्लिम समुदाय के लोगों को हमारी मदद की जरूरत है। साथ ही पोस्ट में एनजीओ गुरु नानक कम्युनिटी ने कहा है कि हम लोगों की मदद करने के लिए आगे भी आना चाहते हैं, जिसमें शवों की सफाई, परिवहन, कब्र खोदना, लंगर का आयोजन करने में मदद करने का आग्रह किया गया था। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि वे पीड़ित परिवारों के लिए शिविर की स्थापना करेंगे, जो क्राइस्ट चर्च में मुफ्त भोजन, परिवहन के साथ साथ अस्थाई आश्रय, आपातकालीन वस्त्र, रक्तदान, वित्तीय सहायता और अंतिम संस्कार सेवाओं की पेशकश करेगा। ये पहली बार नहीं है कि सिख समुदाय किसी विपत्ति के समय मदद के लिए आगे आया है। दुनिया भर में कई बार ऐसा देखा गया है कि जब सिख समुदाय ने सबसे पहले आगे आकर लोगों की मदद की है। सोशल मीडिया पर लोगों ने गुरु नानक कम्युनिटी किचन की सराहना करते हुए काफी तारीफें की हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पलपल न्यूज़।